स्टूडेंट्स, आज कक्षा सात के गणित विषय के साथ पहला वीडियो प्रेषित कर रहा हूं। आप सभी अवगत हैं कि इस समय कोरोना नामक बीमारी वैश्विक महामारी के रूप में प्रचलित हो गई है, जिसके अंतर्गत माननीय प्रधानमंत्री जी पूरे देश में लॉकडाउन की घोषणा कर चुके हैं। इस दरमियान माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा यह निर्देशित किया गया है कि बच्चों के समय को, भविष्य को देखते हुए ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली शुरुआत की जाए, जिसके अंतर्गत अपना विद्यालय सच्चिदानंद इंटर कॉलेज भी सहभागी बना हुआ है। और इसी के अंतर्गत हम आज अपना पहला वीडियो कक्षा सात के गणित विषय के साथ प्रेषित कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत आज हम अपने कक्षा सात के मैथ के 2020-21 में कितने पाठ आपको पढ़ने हैं, कितने चैप्टर पढ़ने हैं, उसको मैं आज बताने जा रहा हूं। इसमें सबसे पहले देख रहे हैं पहला चैप्टर पूर्णांक, दूसरा चैप्टर भिन्न एवं दशमलव, तीसरा चैप्टर आंकड़ों का प्रबंधन, चौथा चैप्टर सरल समीकरण, पांचवा चैप्टर रेखा एवं कोण, छठवां चैप्टर त्रिभुज और उसके गुण, सातवां चैप्टर त्रिभुजों की सर्वांगीण समता, आठवां चैप्टर जो है राशियों की तुलना, नौवां चैप्टर परिमेय संख्या और दसवां प्रायोगिक ज्यामिति। फिर ग्यारहवां देखते हैं परिमाप और क्षेत्रफल, बारहवां बीजीय व्यंजक, तेरहवां घातांक और घात, चौदह नंबर है सममिति और पंद्रह है ठोस आकारों का चित्रण। ये आपका सिलेबस रहा। अब हम अगले वीडियो में पहला चैप्टर पूर्णांक को का अध्ययन करेंगे। पूर्णांक सब्जेक्ट के सबसे पहले चिन्ह परिपाटी के विषय में हम अध्ययन करेंगे। इसके पहले आपने पूर्णांक के विषय में जाना, सिलेबस के विषय में जाना, तो सबसे पहले हम जो पहला चैप्टर है पूर्णांक, उसके विषय में चिन्ह परिपाटी को लेकर के थोड़ा सा जो भी आपके मन में भ्रम होगा, क्योंकि आप इसके पहले पढ़ चुके हैं सिक्स में, तो उसको फिर उसकी पुनरावृत्ति कर दिया, पुनः आप समझ लें। तो आप जानते हैं कि अगर हम तीर से किसी भी वस्तु को दर्शाते हैं क्षैतिज रेखा में और ऊर्ध्वाधर रेखा में, तो जो मध्य बिंदु बनता है, जो आपको फिगर में दिखाया गया है, इसको हम शून्य मान लेते हैं। और जैसे ही शून्य के अगर हम ऊपर की ओर चलते हैं, तो वह बिंदु धनात्मक रूप में मानी जाती है या उसका चिन्ह धनात्मक होता है। और जैसे ही मध्य के नीचे यानी चुकी नीचे या पृथ्वी की ओर दर्शाया जाता है, इसे हम धनात्मक ऋणात्मक रूप में लिखते हैं। यह हो गया ऊर्ध्वाधर। यानी अगर हम धरती को मध्य मान लेते हैं, तो ऊपर की ओर धन और पृथ्वी के नीचे की ओर को ऋण के रूप में मानते हैं। दूसरा चीज आपका आता है अब क्षैतिज रेखा के रूप में अगर मानते हैं, तो मध्य बिंदु के दाहिनी ओर चलते हैं, तो वह अंक धनात्मक होता है। और जैसे ही मध्य बिंदु की बाईं ओर चलते हैं, तो वह बिंदु ऋणात्मक होता है। इसी चिन्ह परिपाटी के अनुसार जब हम 1.1 में हम प्रवेश करते हैं, तो सर्वप्रथम आपको जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, वह सबसे पहले दिया गया है, आप अपने बुक में देखेंगे तो शहरों के नाम दिए गए हैं। और यह शहर के नाम देते हुए एक आपको फिगर दिया गया है, जिसमें लाहुल
स्पीति और दूसरा श्रीनगर, तीसरा शिमला, चौथा ऊटी, पांचवा बैंगलोर दिया गया है। बैंगलोर दिया गया। अब इसके नीचे दिया गया है तापमान जो सेंटीग्रेड में है, पच्चीस डिग्री। उसके बाद 20, उसके बाद 15, उसके बाद 10, उसके बाद 5, उसके बाद 0, उसके बाद -5 और उसके बाद -10। यह आपको एक हम उदाहरण के तौर पर समझा रहे हैं। यह भी क्षैतिज रेखा है और आप देख रहे हैं कि इसको मध्य माना गया है शून्य, और शून्य के दाहिनी ओर जो लिखा गया है 5, 10, 15, 20, 25, यह आपका धनात्मक अंक में लिखा गया है। और जैसे ही शून्य के हम पहले चलते हैं यानी बाईं ओर चलते हैं तो उसमें जो देख रहे हैं आप कि -5, -10 यानी यह ऋणात्मक के रूप में दिया गया है। तो आप प्रश्नावली नंबर 1.1 का पहला क्वेश्चन देखेंगे जिसमें दिया है कि किसी विशिष्ट दिन विभिन्न स्थानों के तापमानों को डिग्री सेल्सियस में निम्नलिखित संख्या रेखा द्वारा दर्शाया गया है। अब आपको पहले भी संख्या रेखा की व्यवस्था के विषय में बता दिया गया है। अब इसमें दिया गया जो फिगर दिया गया है जो आपको इसमें लिखा गया है, इसमें दिखाने के बाद यह क्वेश्चन पूछ रहे हैं। पहला क्वेश्चन इनका है कि इस रेखा संख्या रेखा को देखिए और इस पर अंकित स्थानों के तापमान लिखिए। अब यहाँ पे आपको सभी शहरों के तापमान को लिखना है तो सबसे पहले हम दाहिनी ओर से चलते हैं तो पहले है बैंगलोर। बैंगलोर में देख रहे हैं 20 आपको दिखाई दे रहा है, उसके बाद पहला चिन्ह दूसरा चिन्ह यानी 22 हो गया, यानी 22 डिग्री सेल्सियस इसका तापमान हो गया 22 डिग्री सेल्सियस। अब इसके बाद ऊटी का देख लीजिए। अब ऊटी में आप देख रहे हैं 15, उसके बाद है एक चिन्ह पहले है यानी 15 में से घटा देंगे तो ये 14 हो जाएगा, तो इसका तापमान हो गया 14 डिग्री सेल्सियस। आगे चलते हैं तो पुनः है आप देखते हैं कि 10, उसके बाद 9, 8, 7, 6, 5 यानी 5 आपका शिमला है, तो इस पर लिख देंगे शिमला 5 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद 0 आप देख रहे हैं, 0 के अब हम आते हैं बाईं ओर, तो आप जानते हैं कि बाईं ओर का चिन्ह क्या होता है, माइनस होता है, तो सबसे पहले आएंगे 1 और 2। दूसरे नंबर पे है श्रीनगर, यानी श्रीनगर का तापमान जो होता है -2 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद आएंगे सबसे लास्ट में लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति में आप देखेंगे कि यहां का तापमान कितना है, तो यह दिया है 5 के बाद 6, 7, 8 अर्थात -8 डिग्री सेल्सियस। ये आपका पहला क्वेश्चन आपका हो गया। अब आप समझ सकते हैं इसके बाद जो भी आपको संख्या रेखा जो भी प्रश्न पूछा जाएगा इसके अनुसार होगा। दूसरा देखिए बी, उपयुक्त स्थानों में सबसे गर्म और सबसे ठंडे स्थानों के तापमान में क्या अंतर है, तो सबसे गर्म स्थान कितना रहा, सबसे अधिक 22 डिग्री, 22 डिग्री सेल्सियस। अब करा है सबसे कम कितना है, तो -10। अब ये
माइनस 10। अब दोनों भी अंतर कितना हो गया, अब 22 में से घटाएंगे 10 को तो कितना आ जाएगा, अब देख सकते हैं कितने का अंतर हो सकता है। तो अब यहां से अगर चाहे तो आप गिन के भी कर सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। कितना हो गया 30। अब यहां पे अब यह 30 क्यों हो रहा है, अब यह आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, केवल माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और दोनों संख्या क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। यानी इसमें जो अंतर हो रहा है 30 डिग्री का, यानी 30 अंकों का अंतर हो रहा है। तो इसके पहले आपने देखा कि आप क्वेश्चन नंबर एक का ए और बी आपने समझ लिया, सी में क्या है दिया है, लाहौल स्पीति एवं श्रीनगर के तापमानों में क्या अंतर है। श्रीनगर का तापमान आप देखेंगे, अब यहां से एक को छोड़ करके 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 हो गए, तो यह 6 आपका इसमें अंतर हो गया जो 6 डिग्री सेल्सियस दूर में है। अब डी क्या कह रहा है, क्या हम कह सकते हैं शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग शिमला के तापमान से कम है, तो यह कम है हाँ। अब क्या कह रहा है, क्या इन दोनों स्थानों के तापमानों का योग श्रीनगर के तापमान से भी कम है, तो नहीं, क्योंकि यह बढ़ा हुआ है आप देख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है किसी प्रश्नोत्तरी में सही उत्तर के लिए धनात्मक अंक दिए जाते हैं, गलत के लिए ऋणात्मक दिए जाते हैं, यदि 5 चक्रों द्वारा जैक द्वारा प्राप्त किए अंक 25, -5, 10 और -10, 15 हैं, तो बताइए उसके अंकों का कुल योग कितना हुआ। तो आपने देख लिया 25, -5, -10, 15 तथा 10 है। अब धनात्मक को हमने एक जगह इकट्ठा कर लिया और ऋणात्मक को हमने एक जगह इकट्ठा कर लिया, तो धनात्मक को जब जोड़ा तो 50 हो रहा है और ऋणात्मक को जोड़ा तो -15 हो रहा है, दोनों को घटा देते इसमें अंक कितना मिला, -5 मिला। तीसरा क्या है, पुनः यही प्रक्रिया अपनाइए कि सोमवार को श्रीनगर का तापमान कितना था, -5 डिग्री सेल्सियस, और मंगलवार को 2 डिग्री तापमान क्या हो गया, कम हो गया। तो जब ये 5 -5 है, 2 डिग्री कम होगा, तो ये एक -6 और दूसरा होगा -7 आएगा। और दूसरा चीज कह रहा है कि बुधवार को मंगलवार का तापमान तो मिल गया, बुधवार को तापमान में 4 की बढ़ोतरी हो गई, जब 4 की बढ़ोतरी हो गई तो -7 से हम जब आएंगे तो -6, -5, -4 और -3 आता है, तो यह आपकी उस दिन की जो टेम्परेचर था, तापमान था बुधवार को, वह 3 डिग्री सेल्सियस था। आपने देखा एक क्वेश्चन है कि एक हवाई जहाज समुद्र तल से 5000 किलोमीटर ऊपर की ओर उड़ रहा है, एक विशिष्ट बिंदु पर यह हवाई जहाज समुद्र तल से 1200 मीटर नीचे तैरती हुई पनडुब्बी के ठीक ऊपर है, पनडुब्बी और हवाई जहाज के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी कितनी है। अभी हमने आपको बताया कि जब दूरी चूंकि यहां से लेकर के, यानी निचले बिंदु से लेकर के और ऊपरी बिंदु तक का पूछ रहा है, तो दोनों की दूरी को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, क्योंकि अगर अलग अलग मध्य बिंदु से अगर पूछता तो यह नीचे माइनस होता और ऊपर प्लस होता, लेकिन यह चूंकि निचले बिंदु से और ऊपरी बिंदु के बीच की ऊंचाई पूछ रहा है, इसलिए दोनों को हम एक साथ जोड़ देंगे, जो 5000 + 1200 जो मिलकर के 6200 मीटर होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, दिया है मोहन अपने बैंक खाते में 2000 रुपया जमा करता है, जमा बराबर 2000, और अगले दिन इसमें से 1642 रुपया निकाल लेता है, निकासी करने की तरह 1642 रुपया। अब कहता है यदि खाते में निकाली गई राशि को ऋणात्मक संख्या से ऋणात्मक निकासी का ऋणात्मक संख्या से प्रदर्शित करते हैं, तो जमा खाते को किससे करेंगे, तो जमा हम जानते हैं कि धन के रूप में होता है, इसलिए हम इसको धनात्मक रूप में मानते हैं। तीसरा क्या कह रहा है, निकासी के पश्चात मोहन के खाते में शेष राशि ज्ञात कीजिए, तो चूंकि जमा कर दिया और फिर निकाल दिया, अब जितना शेष बचता है क्या बचेगा, तो 2000 में से 1642 घटाएंगे तो 358 रुपए उसका मिलेगा। छठवां क्वेश्चन आता है, रीता बिंदु ए से पूरब की ओर बी बिंदु तक 20 किलोमीटर दूरी करती है, यानी ए से बी तक की दूरी कितनी है, 20 किलोमीटर तय करती है, उसी सड़क के अनुदिश यानी उसी दिशा में यानी विपरीत दिशा में 20 से व 30 किलोमीटर की दूरी पश्चिम की ओर तय करती है उसी सड़क के माध्यम से, तो जब 30 किलोमीटर यानी 20 से लेकर के जहां तक हो जाती है वो 30 किलोमीटर की दूरी होती है। अब कह रहा है
तो पश्चिम दिशा की ओर तय की गई दूरी को आप कैसे निरूपित करेंगे? तो आप जानते हैं कि मध्य बिंदु से अगर दाहिने ओर जाते हैं तो धनात्मक, और उस बिंदु से जब पश्चिम की ओर जाते हैं तो ऋणात्मक होता है। तो इस तीसर को हम किससे करेंगे? ऋणात्मक से करेंगे, ठीक है, पश्चिम दिशा को ऋणात्मक से। अब बिंदु ए से उसकी अंतिम स्थिति को किस पूर्णांक से निरूपित करेंगे? तो उसके अंतिम बिंदु का यानी बी से लेकर यहां तक की दूरी को क्या करेंगे? -30 के रूप में प्रदर्शित करेंगे। अगर दोनों का अंतर पूछेगा तो -30 में से +20 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? -10 अधिक। अगला है सातवां नंबर, किसी मायावी वर्ग में प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक स्तंभ, प्रत्येक विकर्ण की संख्याओं का योग समान होता है। सब लोग जानते हैं कि चाहे हम तिरछे करें, चाहे सीधे करें, चाहे क्षैतिज रूप में करें, सबका मान एक बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो मायावी वर्ग कहलाता है। अब आप देखेंगे 5 और ये -4 -1, ये दोनों जुड़ जाएंगे क्योंकि दोनों क्या है, ऋणात्मक संख्या, दोनों को हम एकत्रित कर लेंगे लेकिन उनका चिन्ह वही रहेगा, यानी -5 हो जाएगा। तो -5 में से -+5 को घटाएंगे तो दोनों का जो शून्य हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। अब यहाँ पे चलते हैं तो -10 दिख रहा है और +1 दिख रहा है। अब इसमें से जब अलग करेंगे तो ये -9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? -9। अब जब ये -9 एक तरफ हो गए, फिर दूसरा देखते हैं -4 -3 -2, तो जब तीनों को जोड़ेंगे क्योंकि संख्या ऋणात्मक है तो यह भी -9 होगा, यानी यह भी 9 हो गया, यह भी 9 हो गया। अब ऊपर देखते हैं -6 -4 या -10 हो गया, और इसमें से एक घटाएंगे तो यह भी -9 हो गया, यानी यह उस शर्त को यह पूरी करता है, इसलिए यह दूसरा जो है वह मायावी वर्ग होगा, मायावी वर्ग है। अगला 8 आठवें में कर रहा है ए और बी के निम्नलिखित मानों के लिए ए माइनस कोष्ठ में -b बराबर a+b का सत्यापन कीजिए। तो हम पहला हल करते हैं, आपको दिखा रहे हैं ए बराबर 21 बी बराबर 18। अब जब 21 को लिख दिए कमान -18, तो -- क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। दिया 21 + 18 = 21 + 18, यानी दोनों का सत्यापन क्या है? सत्य है। इसी पर आठवें का जो आपका दूसरा तीसरा चौथा ये आप लोग अपने लगाएंगे। मैं पूर्ण सर कक्षा 7 के मैथ में चैप्टर 1.1.1 के 9वें क्वेश्चन के लिए आपको बता दें, फिर से सुन लीजिए कि दिया है कि निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए बॉक्स में माने <less than > 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 >> और इक्वल का उपयोग कीजिए, यही इसमें दिया है। आप देख रहे हैं जो जैसे होगा उसको हम वैसे ही लिख लेंगे। पहला क्वेश्चन दिया है -8 + -4, दूसरा दिया है बराबर करके -8 - -4। अब ये कह रहा है कि यह क्या होगा, लेस देन होगा, ग्रेटर देन होगा या इक्वल होगा। अब इसको हम आपको दिखा रहे हैं, इसमें आपको भरना है। तो सबसे पहले देखेंगे दोनों माइनस है, यह दोनों ऋणात्मक है, तो 8 और 4 = 12 यानी -12 आपका बाएं पक्ष में। दूसरे पक्ष में जब आप देखेंगे तो -8 और -4 यानी यह प्लस हो जाएगा, तो -8 में से +4 को जब हटाएंगे तो माइनस क्या होगा? 4। तो कौन बड़ा है, कौन छोटा है, -4 बड़ा है या -12 बड़ा है? तो आप देखते हैं -4 बड़ा है, इसलिए यह बड़े के रूप में और इधर छोटे के रूप में करेंगे। ऐसे ही आप जो भी दिया गया है उसको आप घर पे कर लेंगे होमवर्क के रूप में। 10वां नंबर दिया है कि पानी के तालाब में अंदर की ओर सीढ़ियां हैं, एक बंदर सबसे ऊपर वाली सीढ़ी यानी पहली सीढ़ी पर बैठा है, पानी 9वीं सीढ़ी पर है। तो क्वेश्चन नंबर 1 वह एक छलांग में 3 सीढ़ी नीचे की ओर आता है और अगली छलांग में 2 सीढ़ी ऊपर की ओर जाता है, कितनी छलांगों में वह पानी के स्तर तक पहुंच पाएगा? अब हम देखेंगे कि जब वो पहली सीढ़ी पर है तो पहली छलांग जब लगाता है तो 3 सीढ़ी नीचे आता है, तो नीचे चूंकि हम यह आपका प्लस की ओर होगा और जैसे ही ऊपर जाएगा तो वो माइनस की ओर होगा। तो हमने पहला छलांग में 4 गया, दूसरे छलांग में 2 सीढ़ी कम हो गया फिर 2 पर आ गया, तीसरे में 2 में 3 जोड़ेंगे 5 हो गया। ऐसे करते करते आप जब देखेंगे 11वें सीढ़ी पर वह लास्ट में पानी के छोर तक पहुंच जाता है। अगला है दूसरा क्वेश्चन, अब इसी को वह बंदर पानी पी करके वापस जा रहा है, जब वापस जा रहा है तो वह पूछ रहा है कि कितने में, कितनी छलांग में पानी के ऊपर हो जाएगा। तो उसमें शर्त क्या है
कि जब पहली छलांग लगाता है तो चार सीढ़ी ऊपर जाता है, चार सीढ़ी क्या होता है ऊपर जाता है, तो ऊपर वाले को प्लस करेंगे और नीचे वाले को माइनस करेंगे। ठीक है, अब जब आप देखेंगे ऊपर के लिए तो जैसे ही जाता है यानी पहली छलांग में यहां से पानी से जब कूदा यहां तक पहुंच गया, लेकिन दूसरी सीढ़ी में क्या हो गया फिर नीचे आ जाता है माइनस टू की तरफ से आ जाता है। तो अब इसको जो है जैसे ऊपर जाएगा तो फिर वापस आ जाएगा, इस तरह से नौ में से पहले छलांग में चार सीढ़ी ऊपर गया तो चार यानी पांचवी सीढ़ी पर बैठा, दूसरी छलांग में पांच में फिर दो सीढ़ी क्या होता है नीचे आ जाता है, फिर सातवीं सीढ़ी पर आ जाता है, तीसरे में फिर सात में से चार छलांग ऊपर लगाता है तीसरी श्रेणी पर पहुंचता है, और जैसे तीसरी श्रेणी पर जाता है चौथे छलांग में हुआ पांचवी पर आ जाता है, और फिर पांचवें में वह एक छलांग लगाता है मतलब चार अंक प्राप्त करके चार श्रेणी चढ़ करके पांच में से चार गया पांचवी श्रेणी पे पहुंच जाता है, पांचवी श्रेणी पर क्या होता है पहुंच जाता है। तो और तीसरा क्या है, नीचे दिए गए पांचवी श्रेणियों की संख्या को ऋणात्मक पूर्णांक से निरूपित किया जाता है और ऊपर की हो जाने के लिए धनात्मक रूप से निरूपित किया जाता है। तो निम्नलिखित को पूरा करते हुए भाग एक और भाग दो में उसकी गति को निरूपित करिए, पहला है माइनस तीन प्लस दो यानी इसका योग कितना होगा आठ होगा, जो माइनस आठ के रूप में दिया है बी में चार ऋण दो और ऐसे क्रम में हम पढ़ाएंगे वह आठ होगा यानी एक माइनस आठ हो रहा है एक प्लस आठ हो रहा है। तो ए में योग माइनस आठ से नीचे जाने को निरूपित करता है तो में बी में योग आठ किसको निरूपित करेगा, तो आप देख रहे हैं माइनस तीन प्लस दो माइनस तीन प्लस दो माइनस तीन प्लस दो ऐसे करते करते जब हम माइनस को एक जगह इकट्ठा करें तो माइनस एट मतलब एटीन हो रहा है और अगला जो हो रहा है वो जो प्लस वाला है वो टेन हो रहा है, तो जब इसको हम अलग अलग करेंगे यानी घटाएंगे ये माइनस एट आपका आ गया। बी वाले में देखेंगे कि चार माइनस दो चार माइनस दो चार माइनस दो यानी जब इसको देखेंगे तो फिर वही प्रक्रिया धनात्मक को एक जगह ऋणात्मक को एक जगह यानी धनात्मक हो गया बारह ऋणात्मक हो गया चार और ये जब हो जाएगा तो इसका अंतर क्या हो जाएगा आठ। आज पहले 1.1 का आपका टॉपिक समाप्त हुआ, शेष अगले दिन अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।